चुनाव से ठीक पहले 15 लाख ईवीएम गायब, ईवीएम को लेकर मच गया बवाल। चुनाव आयोग भी भारी टेंशन में, ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां ईवीएम की शिकायत को लेकर जब चुनाव आयोग से मिलने जाती है, चुनाव आयोग मिलने से मना कर देता है। पिछली बार 19 लाख ईवीएम मशीन गायब होने की खबरें आई, चुनाव आयोग भी इस पर कुछ भी सही जवाब नहीं दे पाया। इसी बीच एक सबूत भी हाथ लग गया लोगों को, जब पता चला ईवीएम बनाने वाली कंपनी में चार डायरेक्टर भाजपा के हैं। इसी बीच एक और खबर तेजी से फैल रही है, चुनाव से ठीक पहले 15 लाख ईवीएम गायब हो गए हैं। आखिर इस बात की क्या सच्चाई है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच चुनाव से जुड़े कई वीडियो, नेताओं के बयान और तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। ऐसे में एक दावा ट्विटर पर कोई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है चुनावों से पहले 15 लाख ईवीएम मशीन गायब हो गई हैं। वायरल दावे से जुड़ी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी है, जिसमें एक शख्स चुनाव आयोग का नाम लेकर पूछता है 15 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं। वहीं दूसरा दावा करता है अब कोई भी सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं डाल पाएगा। पहले दावे की सच्चाई। यूपी एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आर्यन मिश्रा ने वायरल दावे से जुड़ा ट्वीट किया। अपने ट्वीट में आर्यन मिश्रा से पूछा, 15 लाख ईवीएम मशीन गायब, क्या यह सच है? वही एडवोकेट शबनम मीर ने ट्वीट में लिखा, अलर्ट, 15 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं। इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें। कुछ ऐसा ही ट्वीट वेरीफाइड एक्स यूजर रिजवान अहमद ने करते हुए सवाल पूछा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 15 लाख ईवीएम कहां गायब हो गए? वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल को चेक किया। कमीशन के ट्विटर हैंडल पर हमें एक ट्वीट मिला, जिसमें वायरल दावे को गलत बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी ट्वीट में लिखा था, 15 लाख ईवीएम के गायब होने का दावा पूरी तरह से गलत है। वायरल दावे के सपोर्ट में शेयर की जा रही वीडियो के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट में आगे लिखा, दावा भ्रामक और फर्जी है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, कोई भी ईवीएम गायब नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम गायब होने की याचिका खारिज कर चुकी है। स्पष्ट है ईवीएम के गायब होने से जुड़ा दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। खुद इलेक्शन कमीशन ने ऐसी किसी भी दावे का खंडन किया है। दूसरे दावे की सच्चाई, क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं डाल सकेगा? वायरल मैसेज से जो जानकारी इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्वीट अकाउंट पर दी थी, इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट में लिखा था, व्हाट्सएप पर एक मैसेज शेयर किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, यह भी पूरी तरह गलत है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात योग्य अधिकारी निर्दिष्ट मतदाता सुविधा केंद्र पर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। स्पष्ट है कि पोस्टल बैलेट से जुड़ा यह दावा भी पूरी तरह से गलत है।